लखनऊ मेट्रो जिसको लेकर सपा सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही थी, उसकी दो बड़ी लापरवाही या कहें कि उसकी असलियत यहां पर सामने आ गई है। तो मेट्रो की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हां, देखिए पहली तस्वीर जिसमें मेट्रो के एक बोर्ड गिरने से एक छात्र की जान चलेगी, और दूसरी तस्वीर आप देखिए मेट्रो स्टेशन की, जहां पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का किस तरह ख्याल रखा गया, ये तस्वीर खुद में बयां कर रही है। जी हाँ, निर्माण कार्य के दौरान की गई जो भी घोटालेबाजी थी या जो भी कहें कि घपलेबाजी थी, उसकी सारी पोल खुल गई है, क्योंकि पहली ही बारिश में यहां के निर्माण में दरारें आ गई। तो ये दो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि एक बहुत बड़ी परियोजना जिसको लेकर यहां पर काफी बातें की गई और अपनी पीठ थपथपाई गई पिछली सरकार के द्वारा, दरअसल उस परियोजना में भी घोटाले का दीमक लग चुका था। तो विस्तार से दोनों तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। लखनऊ मेट्रो के निर्माण के दौरान लापरवाही की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। थाना इलाके में बाइक से स्कूल जा रहे छात्र के ऊपर लोहे का बोर्ड गिर गया, जबकि एक छात्र इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। यह हादसा मेट्रो निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते हुआ। घटना के बाद से छात्रों में भारी गुस्सा बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मेट्रो निर्माण कर रही LNT कंपनी की लापरवाही के चलते कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज एक छात्र की जान चलेगी, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ। इसके बाद गुस्साए लोगों ने काफी प्रदर्शन किया। तो ये उन स्कूली बच्चों की तस्वीरें हैं जिनका एक साथी हादसे में मारा गया है, जबकि एक और छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया है। तो जो कार्यदायी संस्था है, दरअसल उसकी लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे यहाँ अक्सर हो रहे हैं। कलकत्ता स्कूल के जो छात्र थे मोहम्मद जैन और इस्माइल, ये दोनों अपने स्कूल जा रहे थे स्कूटी से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने डिवाइडर थे, बच्चों का जो डिवाइडर है उससे इनकी गाड़ी टकराई, घायल हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया, उसमें इस्माइल की डेथ हो गई है। कुछ दिन हुई लगातार बारिश ने लखनऊ मेट्रो के निर्माण कार्य की पोल खोल कर रख दी है। हम इस वक्त मौजूद है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर जमीन धस गई है बारिश की वजह से। जमीन धसी है, साथ ही साथ रैंप वे जो बनाया गया है वो भी धस गया है। हम चाहेंगे कि हम अपने कैमरा के थ्रू अपने दर्शकों को दिखाएं कि वैसे तो पूरा मेट्रो स्टेशन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, लेकिन निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, और यही वजह है कि फिलहाल जो रैंप वे है और जमीन वो धस गई है, और उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन जो है वो उसका चालू है। यहाँ पर बहुत तेजी से LMRC इस पर काम कर रहा है कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जा सके, क्योंकि LNT को ये काम दिया गया था, और फिलहाल LMRC ने LNT जो कि कार्यदायी संस्था है उनसे जवाब भी मांगा है इसका, कि किस तरह से निर्माण कार्य कराया गया था, जो इस तरह की घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जो लखनऊ मेट्रो को जुलाई से शुरू होना था उसमें फिलहाल अभी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टेशन जो कि डिपो से कनेक्ट करता है वहीं पर ही इस तरह की अगर एक घटना देखने को मिली है, तो इसके बाद फिलहाल लखनऊ वासियों को मेट्रो में सफर करने के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित सहानी के साथ मैं विभू त्रिपाठी, समाचार प्लस के लिए।